नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं ने जीतू पटवारी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारी के घर के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ये देखिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है और महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। चूड़ियां लेकर पटवारी के घर पहुंची है महिलाएं और सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में ये महिलाएं पहुंची हुई हैं। और जीतू पटवारी, जिन्होंने इमरती देवी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था और उस बयान के बाद उन्होंने हालांकि इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए माफ़ी भी मांगी है, लेकिन जो बयान है वो बहुत ही विवादास्पद है, महिला का अपमान है और इसी अपमान की निंदा करते हुए आज जीतू पटवारी का घेराव करने चूड़ियां लेकर ये महिलाएं पहुंची हुई हैं। सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में महिलाएं पहुंची हैं जीतू पटवारी के घर के बाहर और ये देखिए धक्कमुक्की की तस्वीरें भी हैं। महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है, महिलाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि महिलाएं काफ़ी आक्रोशित, उनका ये कहना है कि जिस तरीके का अपमान वो कर रहे हैं एक नेता का, इमरती देवी का, और उसके बाद ये स्पष्ट है कि उनकी मानसिकता क्या है। हालांकि लगातार बीजेपी घेर रही है, एक तरफ जहां बीडी शर्मा ने भी इस पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस पर वार आया है कि किस तरीके से जीतू पटवारी एक महिला के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करते हैं, अपमान करते हैं, और वो ना सिर्फ एक महिला का अपमान कर रहे हैं बल्कि वो पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं इस तरीके के बयान के बाद से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहाँ चूड़ियाँ लेकर महिलाएँ पहुँची हैं जीतू पटवारी के घर के बाहर घेराव करने के लिए। बैरिकेटिंग की गई है, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। अब चूंकि सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में ये महिलाएं पहुंची हैं और बड़ी संख्या में जो महिला मोर्चा है, बीजेपी महिला मोर्चा है, वो जीतू पटवारी को चूड़ियां भेंट करने के लिए आई हुई हैं, उनके घर का घेराव कर रही हैं। आप देखेंगे ट्रैफिक जो कॉप्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, इन्हें रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर का पूरा मामला है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जब जीतू पटवारी के बयान के बाद किस तरीके से सियासत में उबाल आया हुआ है उसके ये वानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आक्रोशित महिलाएं लगातार जीतू पटवारी के घर के बाहर घेरने की भरपूर कोशिश करती हुई नजर आई हैं। हालांकि झड़प की स्थिति ना हो इसके चलते पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी महिला कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और देखिए महिलाओं को रोकने की जद्दोजहद की जा रही है। हमारे लगातार आपको ये खबरों से अपडेट जो जुड़ी हुई थी वो आपको बताई जा रही थी। जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है इंदौर में वो आप देखिए, और हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भी मौके पर मौजूद हैं जो कि आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। मिथिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि महिला मोर्चा मौके पर मौजूद है और जीतू पटवारी के घर के बाहर चूड़ियां लेकर पहुंची हुई है। मिथिलेश, बिल्कुल इस वक्त आपकी आवाज भी आ रही है और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ, इस वक्त धक्का मुक्की चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उनके और पुलिस के बीच में इस वक्त एक बड़ा विवाद चल रहा है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई बार ये बैरिकेड को तोड़कर कुछ महिलाएं आगे आ चुकी हैं, उन्हें फिर से वापस भेजा गया और इस वक्त बड़ी झड़प देखने को मिल रही है, धक्का मुक्की हो रही है। पिछले आधे घंटे से पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है और लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि वो जीतू पटवारी घर जा रही है। और ये देखिए तस्वीर, लगातार उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस ने इस वक्त और भी फोर्स बुलवाई है महिलाओं को रोकने के लिए, महिला पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और इस वक्त उनकी एक बड़ी टीम भी रवाना हो चुकी है मौके के लिए। अब ये इस वक्त जो पुलिस के महिला कर्मियां यहां पे मौजूद है वो उन्हें रोक नहीं पा रही है और इस वक्त एक धक्का मुक्की के साथ में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, झड़प चल रही है, महिलाएं किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है यहां से जाने के लिए, वो यहां पे डटी हुई है और ये देखिए विवाद की स्थितियां, ये देखिए इस वक्त जो लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें बाहर की तरफ वापस से भेजा जा रहा है क्योंकि जो बैरिकेड है उस बैरिकेड के बाहर की तरफ उन्हें कहा जा रहा है कि आप वहीं अपना विरोध प्रदर्शन करें, आप वहां कैसे आगे नहीं आए, लेकिन ये महिलाएं मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि वो जीतू पटवारी घर जाएंगी, उन्होंने इंदौर का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी के घर में बहन बेटी नहीं है, जीतू पटवारी के घर में माँ बहन नहीं है क्या, दूसरे की माँ बहन को ऐसा बोलता है जीतू पटवारी?
ये गुस्सा आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से, ये गुस्सा आपको जाहिर हो रहा होगा जो इनके मन में है। और इस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो किसी भी कीमत उनके घर तक जाना चाह रही हैं। झड़प देखने को मिल रही है, लगातार बैरिकेड तोड़ने को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है उन्हें रोक रही है। और ये इस वक्त कहीं ना कहीं इंदौर में, बीजापुर में इस वक्त जीतू पटवारी घर पर जाने को रोकने से लेकर एक बड़ा विवाद नजर आ रहा है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है बीजापुर से। और ये जो तस्वीर है ये प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर से कुछ दूर ही, यानी 100 से 200 मीटर दूरी पर उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका गया था। वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फोर्स को बुला लिया गया है इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे इनकी संख्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, लोग यहां पर पहुंचते जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब बैरिकेड को बांधने के लिए रस्सी भी लेकर पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। रस्सियों से इन बैरिकेड को आपस में बांधा जा रहा है कि कोई भी आगे नहीं निकल पाए, लेकिन पूरा हर संभव प्रयास है पुलिस का, पुलिस चाह रही है कि आगे नहीं जाए क्योंकि आगे विवाद बड़ा हो सकता है। क्योंकि जीतू पटवारी के आसपास बड़ी संख्या में उनके समर्थक रहते हैं, बीजलपुर में उनका क्षेत्र है, उनका घर है यहां पर, इसलिए पुलिस हर स्थितियों को देखते हुए आगे नहीं जाने दे रही, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई दूसरी अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन आज इंदौर में एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, और ये विवाद की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर एक विवादित बयान दिया था। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ महिलाएं इस वक्त तोड़ के बाहर आ चुकी हैं और ये जीतू पटवारी के घर के दब जा रही है। इनसे बातचीत को बात करेंगे, अधिक इन्हें रोका जा रहा है इस वक्त की भी, इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ दिया गया, बैरिकेड को इस वक्त महिलाएं तोड़ दी है और तोड़ के जीतू पटवारी के घर की तरफ जा रही है। हम भी थोड़ी देर में उनके घर पहुंचेंगे, बैरिकेड टूट चुका है इस वक्त, ये तो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये महिलाएं अब जीतू पटवारी घर पहुंचेंगे। आप लोगों ने चूड़िया देने उनके घर जा रही है, चूड़िया देने घर जा रहे हैं, चूड़िया पिटा दे। जीतू पटवारी को चूड़ियां पिलाने जाना है, उसके घर में मां बहन नहीं, इसलिए वो ऐसे से बयान देता है लोगों के सामने। यानी कि आक्रोश बहुत ज्यादा महिलाओं में मिथिलेश। और ये जीतू पटवारी के घर के बाहर पहुंच चुके हैं, जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ते हुए महिलाएं आगे निकल गई हैं। और जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है।